हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे डिस्कस करूंगा टर्म लोन्स के रिगार्डिंग, यानी कि टर्म लोन जो कि हमें हमारे बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो जो टर्म लोन की जिसकी ज़रूरत होती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म लोन होता क्या है। टर्म लोन एक एडवांस होता है जो आपको फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए मतलब क्या, जैसे अगर मैं अपने यहाँ पर कोई भी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो जो मेरी मशीनरी लगेगी उसको बनाने, जो फैक्ट्री डालने के लिए जो मशीनरी, जो फिक्स एसेट है उसको क्रिएट करने के लिए जो मैं लोन लूँगा उसको टर्म लोन कहा जाता है। यानी कि बैंक मुझे जो मशीन से मैं बिस्किट बनाऊँगा उसको फाइनेंस करेगी। अब जो टर्म लोन है उसके काफ़ी सारे पर्पज़ हो सकते हैं। सबसे मेन पर्पज़ तो फिक्स एसेट क्रिएट करने का है। दूसरा ये है, मेरा प्लांट अगर ऑलरेडी चल रहा है तो मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन या उसके एक्सपांशन के लिए मैं ले सकता हूँ। मैं अपनी नेटवर्किंग कैपिटल स्ट्रेंथ करने के लिए ले सकता हूँ। मैं जो बैलेंसिंग इक्विपमेंट है, कुछ नए इक्विपमेंट है वो ख़रीदने के लिए ले सकता हूँ। मैं सेकेंड हैंड मशीनरी ख़रीदने के लिए टर्म लोन ले सकता हूँ। मैं जो अगर यदि मैं कहीं कोई हाई कॉस्ट डेब्ट दे रहा हूँ किसी पर, जो मैंने कहीं और लोन ले रखा है, तो मैं उसको टेक ओवर करवा सकता हूँ। और अगर यदि मुझे R&D या BRS जैसी कोई जो इन बिटवीन कोई चीज़ आ जाती है, मैं उसके लिए टर्म लोन ले सकता हूँ। जो टर्म लोन है वो दो तरीके से मिलता है। फंड बेस्ड भी होता है, फंड बेस्ड लोन होता है जिसके अंदर एक लोन अकाउंट खुल जाता है। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है, कई बार बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है। जैसे अगर यदि मैं कोई मशीनरी चाइना से मंगवाना चाहता हूँ जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है, तो बैंक मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगी, LC इशू कर देगी, और जब मुझे मेरी मशीन आ जाएगी। तो ये भी एक तरीके का फॉर्म है जिससे आप टर्म लोन ले सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन, इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। जितनी आपकी जो मशीनरी या जो भी एक्सपांशन या आप रिनोवेशन करना चाहते हैं उसकी जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको टर्म लोन मिल जाएगा। आपको 1,000 रुपये के टर्म लोन से लेके 1,000 करोड़ तक का टर्म लोन भी मिल सकता है। जो टर्म लोन का टेन्योर है वो जनरली 5 साल का दिया जाता है, लेकिन अगर यदि आपकी कुछ ऐसी मशीनरी है जो हैवी कैपेक्स वाली है, तो उसमें 8 साल तक का भी लोन एक्सटेंड किया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली टर्म लोन पर आप ये मान के चलिए जो आज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है मेनली रेट 10-12% के बीच में होती है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करती है आपके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, आपकी कैपिटल कितनी लगा रखी है, और आपकी कंपनी ने पास्ट में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि आजकल हर बैंक के पास अपनी एक इवेल्यूएशन क्राइटेरिया है जिससे वो अपनी इंटरनल रेटिंग्स निकालते हैं, और जो इंटरनल रेटिंग्स निकलती है वो निकलती है आपके पिछले साल 2 साल के फाइनेंशियल्स पर। आपका सिविल तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट ना हो, कोई सेटलमेंट ना हो, पिछले कोई भी ऐसा ना होगी कभी आपका कोई भी अकाउंट NPA रहा हो। अगर रहा होगा तो फिर उसका डेविएशन देने में बड़ी दिक्कत होती है। मार्जिन 2:1, जनरली 2:1 का ये है कि अगर मान के चलिए मैं कोई, मेरा पेट्रोल पंप चल रहा है, मैं कोई ऑयल टैंकर खरीदता हूँ जिसकी कीमत 40 लाख रुपए, ऑयल टैंकर 30 लाख रुपए है ऑयल टैंकर की कीमत, तो बैंक मुझसे ये उम्मीद करती है कि 20 लाख बैंक मुझे देगी और 10 लाख मैं ऐसे प्रमोटर उसके अंदर लगाऊंगा, तब मेरा मार्जिन 2:1 के अंदर कैलकुलेट होता है। यानी कि 1/3 प्रमोटर को खुद को लगाना पड़ेगा पैसा और 2/3 बैंक फाइनेंस करेगी। सिक्योरिटी, इसके अंदर अगर आप 10 लाख से नीचे का कोई टर्म लोन ले रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है आपको, क्योंकि RBI की गाइडलाइन है कि 10 लाख से नीचे का कोई भी बिजनेस लोन सिक्योरिटी नहीं मांग सकता। अगर आप 10 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं टर्म लोन, तो आपको कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कि जिससे आपका लोन अमाउंट कवर हो जाए। मान के चलिए आप 70 लाख का लोन ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जिसकी कीमत एटलीस्ट 70 लाख हो, और आप जो भी मशीनरी खरीदेंगे आपको उसका फुल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा,
अगर आप बिस्किट बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हैं या ग्लास बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो जो भी मशीनरी की कॉस्ट है उसको आपको, जब तक आपका लोन चलेगा तब तक आपको फुल्ली इंश्योर्ड उसको रखना है। इंस्पेक्शन, जब आपका लोन सैंक्शन होगा उसके पहले आपकी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होगा। जो भी इंस्पेक्शन ऑफिशियल है वो अपने आप से संतुष्ट रहेंगे कि आपका लोन सही है, सही चल चल सकता है और भविष्य में कभी खराब नहीं होगा, तो आपको लोन जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर यदि आपको लोन सैंक्शन हो गया है, डिसबर्समेंट हो गया है, तो भी SBI से कोई भी ऑफिसर ये कभी भी आपके यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। वो देखेंगे कि सब कुछ है इस पर हो, टर्म्स कंडीशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं कोई फंड डाइवर्जन तो नहीं है। रीपेमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जैसे आपका कैश फ्लो निकलेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। कई बार क्या होता है कि हम कुछ मशीनरी सेट कर लेते हैं तो शुरू में प्रमोटर सोचते हैं कि साल भर तक हमारे पास कोई नया रेवेन्यू नहीं आएगा, तो हम साल भर बाद के लिए हम थोड़ी कम EMI रख ले, बाद में ज़्यादा EMI रख ले, ऐसा भी हो सकता है आपके उसमें। अब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले एक कॉमन एप्लीकेशन है, उसमें के साथ दो फोटो आपको फिलअप करके देने हैं, दो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आपका लगेगा, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, 2 साल की बैलेंस शीट लगेगी, फिर आपके कैश फ्लोस लगेंगे, फर्म का रजिस्ट्रेशन लगेगा, GST, उद्योग आधार, और जो भी प्रमोटर है उनका एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट लगेगा। और इसके अंदर अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो आप उसकी रिपोर्ट लगा सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ रहेगा कि कैश फ्लो किस तरीके से होंगे और आप उसमें बैंक का जो पैसा है वो आप किस तरीके से रीपेमेंट कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं अप्रेजल और असेसमेंट कि किस तरीके से हम टर्म लोन का अप्रेजल और असेसमेंट कर सकते हैं। जो टर्म लोन है उसको 5 तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है प्राइमा फेसी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब ये कि आप जो भी कुछ टर्म लोन, आपकी जो फैक्ट्री है या जो भी टर्म लोन आप लेना चाहते हैं एसेट क्रिएट करने के लिए, वो गवर्नमेंट और RBI की गाइडलाइन में है या नहीं है। मान के चलिए आप यमुना के किनारे कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि दिल्ली में यमुना के किनारे आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट NOC पॉल्यूशन बोर्ड से मिलेगी नहीं, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। अब दूसरा था टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब ये कि आप किसी चीज़ को, आपने कोई नया आइडिया आया आपके दिमाग में, आपने सोचा हम ये करेंगे, लेकिन वो कहीं से वो टेक्निकल फिजिबल ही नहीं हो पा रहा हो, मतलब आप अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह लगा दी जहाँ पर बिजली नहीं आती, तो वो टेक्निकल फिजिबल ही नहीं है, तो वो उस तरह के लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिकल वायबिलिटी मतलब आप जो प्रोडक्शन करेंगे अपनी फैक्ट्री में, क्या आप बाजार में उसको कॉम्पिटिटिव रेट्स में बेच पाएंगे? अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो आप बाजार में कैसे टिक पाएंगे, लोन कैसे रिपेमेंट होगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब ये कि आप मान के चलिए आप 2 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो जो प्रमोटर है वो कम से कम इतना 1 करोड़ रुपए अपने एंड पर लगाने के की क्षमता है उसमें या नहीं है। अगर है क्षमता तो अगर यदि आप जो प्रोडक्ट में जो अर्निंग होगी, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो कब तक आएगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट ही बहुत देर से अचीव कर पाए तो लोन आप कैसे रीपेमेंट कर पाएंगे। कमर्शियल वायबिलिटी मतलब ये कि अगर जहाँ भी आपकी फैक्ट्री है वहाँ से कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो कैसे हैं, आप उसको इजीली मार्केट में पहुँचा पाएंगे या नहीं। और अगर यदि आप टर्म लोन ले रहे हैं तो, और आपने अगर बैंक को कैश फ्लोज दिए हुए हैं, तो बैंक का जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देता है वो रहता है DSCR रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। एक्चुअली ये एक रेशियो ऐसी होती है जिससे पता चलता है कि आप जो लोन आपने लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट की क्षमता आपकी कितनी है, आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें सीधा सा ये है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन टोटल डेब्ट सर्विस, मतलब 1 साल की आपकी टोटल नेट इनकम और जो भी आपको पूरे साल में जो भी रीपेमेंट करना है टर्म प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो DSCR आपका 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम हुआ तो जनरली आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा।
अब हम ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये शीट पर जो मैंने आपको दी हुई है DSCR कैलकुलेशन की, इसके अंदर मैंने 5 साल का बना के दिया हुआ है, जिसमें कैश अक्रूअल हो रहे हैं। कैश अक्रूअल का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। सबसे पहले हमने सी के अंदर कैलकुलेट कर लिया कैश अक्रूअल और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हर साल का। फिर हम डी पॉइंट पर आ गए, एनुअल रीपेमेंट। एनुअल रीपेमेंट मतलब जो भी आप प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे एनुअली वो कितना है, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है। फिर ये दोनों को हमने ऐड कर लिया एफ में, तो हमारा ग्रॉस DSCR सी एफ ऑन एफ हो गया। अब जैसे ये प्रोजेक्ट के शुरू के 3 साल तक इसमें DSCR 2 से नीचे ही रहा, फिर वो चौथे और पांचवें साल में जाके 2 से ऊपर हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नई फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि 1 साल या 2 साल आपको मार्केट में अपने पैर जमाने में लग जाएंगे। तो जो DSCR की जो मैंने बात करी थी 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर जब अगर यदि इस तरह की कोई फैक्ट्री है तो हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे इस केस में किया है। इस केस में भी ये 1.77 आ रहा है, जो कि कई बार रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर यदि बैंक को लगेगा कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है तो इसको सेंक्शन भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि DSCR के एक पर बैंक रिजेक्ट कर दे। अब दूसरा आता है ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, मान के चलिए आपने बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री जब आप लगाते हैं और जब वो रन करती है तो उसके अंदर दो कॉस्ट आती है। एक आती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं आपकी लेबर की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, और जो भी आपके जो अदर जो एक्सपेंसेस है, पॉल्यूशन NOC लेने के एक्सपेंसेस, वो सब फिक्स कॉस्ट में आ गए आपके। एक आती है वेरिएबल कॉस्ट, कि आप जितने बिस्किट बनाएंगे उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसके अंदर जैसे मान के ये चलिए, जैसे ये पीछे जो डायग्राम है इसके अंदर 4,000 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट फिर आपकी 20 रुपये पर यूनिट है, और फिर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो ग्रीन उसमें शो रखा है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलेगी वहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब अगर मेरी फैक्ट्री 50 यूनिट बनाए मेरे पड़ की, तब जाके मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ना मैं प्रॉफिट में रहूँगा ना लॉस में रहूँगा। अगर मैं उतनी यूनिट से कम बनाऊँगा तो मुझे लॉस होगा, और उतनी यूनिट से ज़्यादा बनाऊँगा तो मेरी फैक्ट्री प्रॉफिट में जाएगी। जब आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा तो स्टाम्प ड्यूटी, जिस भी स्टेट में आपका लोन सेंक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अब जो डिसबर्समेंट है वो 2 तरीके से होगा, या तो डायरेक्टली वो सप्लायर के अकाउंट में हो जाएगा। जब भी आप कोई मशीनरी वगैरह खरीदेंगे तो उसकी इनवॉइस आप बैंक में देंगे या कोटेशन बैंक में देंगे, और वो डायरेक्ट पेमेंट सप्लायर को होगा, या इन द फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। आप अगर यदि विदेश से कोई मंगा रहे हैं कोई मशीन, तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा सकते हैं बैंक से। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर करे होंगे इस PPT में। क्योंकि PPT टाइम शॉर्ट रहता है और सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, हो सकता हो मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने में बड़ी खुशी होगी। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मेरे चैनल पर मुझे नीचे कमेंट्स करिए, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।